वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो टाइटल थंबनेल एंड मेरा गेटअप देखकर आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है करवा चौथ मेकअप लुक। जैसे कि फेस्टिव सीजन चल ही रहा है एंड मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ मैंने बहुत सारे प्लान किया था कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे लुक्स शेयर करूंगी, बट नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी मेरी हेल्थ जो है थोड़ी सी ठीक है, तो आई थॉट कि आपके साथ एक अच्छा सा मेकअप लुक शेयर करूं, जो कि ये मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए। आई एम वियरिंग दिस ब्यूटिफुल सी रेड साड़ी जो कि मेरी मम्मी की है, एंड ये वाला जो है मैंने शॉपसी से मंगाया है एंड ये ऑफलाइन परचेज किए है गजरा। सो जुगाड़ कर मैंने ये वाला मेकअप लुक आपके साथ क्रिएट किया है। आप बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाला लुक कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर, यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है एज अ सिंदूर और एज ए बिंदी लिपस्टिक का यूज़ किया है, ताकि पूरा कंप्लीट लुक आपको मिले, ताकि करवा चौथ पर अगर आप इस तरह से मेकअप करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड सुंदर लुक टर्न आउट होकर आया है। आप चाहे तो इस लुक को रिक्रिएट कर सकते हो आपके स्पेशल डे पर। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया इंट्रो, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते आज की वीडियो से। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। तो यहाँ पर मैं रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी ताकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहे एंड जितने भी पोर्स से मिनिमाइज़ हो जाए। देन उसके बाद मैंने गार्नियर की विटामिन सी क्रीम अप्लाई की एज अ मॉइस्चराइज़र, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको एक अच्छा सा ग्लो भी दे देती है। देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का एलिमिनेटर मेकअप बेस अप्लाई किया है ताकि एक अच्छा सा ग्लो हमें मिले। आज की वीडियो में हम सिर्फ कंसीलर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है इनसेट कॉस्मेटिक का HD कंसीलर। एज यू कैन सी, इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है गाइज। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा इसका कवरेज है, फुल कवरेज ये प्रोवाइड करता है। तो फिर मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है, जस्ट कंसीलर के हेल्प से मैंने सारा मेकअप किया है। देन उसके बाद मेकअप को सेट किया है इनसेट कॉस्मेटिक के लूज पाउडर के हेल्प से एंड देन स्विस ब्यूटी के ब्लशर पैलेट में से पिंक शेड्स को लेकर अपने एप्पल ऑफ माय चीक्स पर अप्लाई किया है एंड गोल्डन शेड को लेकर अपने हाइएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है एंड देन ब्लैक आई शेडो के हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिए हैं लाइक सो। आईब्रो फिल करने से आपका मेकअप जो है बहुत ही अच्छे से एनहेंस होकर आता है, एज़ यू कैन सी। एंड स्विस ब्यूटी का मिनी आई शेडो पैलेट में से मैंने यहाँ पर पहले लाइट ऑरेंज शेड को लेकर एज अ ट्रांजिशन अप्लाई किया है एंड धीरे धीरे मैंने कलर्स को डार्क किए हैं एंड एज़ यू कैन सी लास्ट कॉर्नर पर डार्क ब्राउन शेड को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कंसीलर की हेल्प से मैंने कट क्रीज ड्रॉ की है एंड सेम पैलेट में से ही गोल्डन शेड को अपनी आईलिड पर अप्लाई कर एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड गोल्डन ग्लिटर पार्टिकल्स को अपने आईलिड पर अप्लाई किया है एंड देन ब्लैक आई शेडो को लेकर मैंने ऊपर लोअर लैशेस पर अच्छे से स्मर्ज किया है। स्विस ब्यूटी का मस्कारा मैंने अप्लाई किया है एंड काजल अप्लाई करने के बाद सेम शेड्स को नीचे लोअर लैशेस पर अच्छे से स्मर्ज कर लिया है एंड देन इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है एंड थोड़ा सा फेस कॉन्टोरिंग की है एंड देन अप्लाई की है रेड ब्यूटिफुल सी लिपस्टिक। एंड यहाँ पर हेयर स्टाइल की बारी आती है, तो हेयर स्टाइल में मैंने जस्ट आईब्रो के एडजस्ट से अपने हेयर्स को लिए हैं एज यू कैन सी, तो लेकर अपने थोड़ा सा पफ देकर मैंने टिक टैक पिन के हेल्प से टाई कर दिया है, सिक्योर कर दिया है, ताकि हेयर्स जो है हमारे अच्छे से सेट हो जाए। देन पूरे हेयर्स को मैंने बैक साइड में लेकर इस तरह से ट्विस्ट कर एक बन बनाया है एंड देन उसे मैंने हेयर बैंड की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया है। ये वाला हेयर स्टाइल शॉर्ट हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, तो आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वाले करवा चौथ पर। एंड देन यहाँ पर जो मैंने आर्टिफिशियल गजरा मैंने मेले से परचेज़ की थी वो मैंने अप्लाई किए हैं एंड इसे मैंने बॉबी पिन की हेल्प से इसे टक कर दिया है। ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है सारीज पर, लहंगे पर। आप इंडियन आउटफिट पर ये वाला गजरा हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन उसके बाद मैंने शॉपसी से ज्वेलरीज मंगाई थी, चोकर सेट आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, अंडर 150 रुपीस का ये वाला चोकर सेट था। इसमें आपको इस तरह से स्टड भी मिल जाते हैं एंड देन मैंने लोकल शॉप से
मंगलसूत्र लिया था तो वही मैंने पहन लिया है। एंड बैंगल्स चूड़ा हम पहन लेंगे, ये भी मेरे लोकल शॉप से ही मैंने परचेज़ किया था। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर होल आउटफिट जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको मेकअप कैसा लगा, आउटफिट कैसा लगा एंड जिस तरह से मैंने स्टाइल किया है वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पर मैंने लिपस्टिक को ही एज ए सिंदूर एंड एज ए बिंदी अप्लाई किया है ताकि मेकअप जो है कंप्लीट लगे एंड हमारा करवा चौथ का मेकअप परफेक्ट लगे। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। इस वीडियो आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एंड चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अनदर लुक के साथ। कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट लुक किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अनदर वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।